हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं फिर आप सबों के सामने में आ चुका हूं नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग का चैप्टर होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और मैं जितने भी झारखंड के जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स का विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए एक नया अपडेट आ गया है। वैसे सभी विद्यार्थी जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस, सभी के लिए अपडेट आया है जैक बोर्ड की तरफ से कल, जो कि झारखंड में ये हम लोग का अपडेट आ चुका है क्लास ट्वेल्थ विद्यार्थी और क्लास टेंथ विद्यार्थियों के लाया है। वो क्या है अपडेट कि हम लोग का जो ओमारशीट यानी जो एग्जाम पैटर्न था वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो मोटा मोटे आप लोग का पैटर्न बताते हैं क्या है कि हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आने वाला है, और कोई इसका ओमारशीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव 50 नंबर का होगा, यानी 80 नंबर टोटल हो गया, और बाकी 20 मार्क्स है आपका कॉलेज की तरफ से, आपका स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। इंटरनल एग्जाम आप उसको कह सकते हो, और एक्सटर्नल जो एग्जाम है वो 80 मार्क्स का है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव 50 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जानकारी है, और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यू लगातार क्लास यहां पर लेकर आ रहा हूं, क्रेज क्लास लेकर आ रहा हूं, क्रेज कोर्स लेकर आ रहा हूं, जहां से बच्चे जो नहीं अभी तक तैयारी नहीं कर पाए उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं, ताकि अच्छे खासे अंक लाने के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाएंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आप अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तब उसको 100% बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग का जो चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है, हम लोग पिछले क्लास में फंडामेंटल पढ़ चुके हैं, जो कि उसका दो वीडियो में पूरा कंप्लीट हुआ है, और एक वीडियो में गुडविल चैप्टर का कंप्लीट हुआ है, और आज हम लोग का जो फोर्थ वीडियो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग जान लेते हैं क्या होगा। तो देखिए, साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब होता है कि आखिर साझेदारी फिर से अपना बैलेंस शीट क्यों बना रहे, फिर से सारा काम क्यों नींव कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, ठीक है। तो कारण है, इसका 4-5 कारण है दिया हुआ। सबसे पहले है कि जो उन लोग का प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो यानी 1:1 अगर 1 है, पहले इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भविष्य में अगर उन लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना प्रॉफिट रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, तो उन लोग को फिर से पूरे फर्म का अकाउंटिंग नया करना होगा, न्यू बैलेंस शीट बनाना होगा। तो पहला ये कारण है कि साझेदारी का गठन होने का, ये पहला ऑब्जेक्ट है, आप पहला कारण कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि जब कोई पार्टनर्स एडमिट हो रहा है, आ रहा है। तीसरा कंडीशन हो सकता है जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, डेथ कर रहा है, तो ये मुख्य जो कारण है रिकंस्टिट्यूशन होने का। तो उसमें से पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर का हम लोग पढ़े रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इस चैप्टर को हम लोग दूसरा नाम से कह सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। तो चलिए, इसमें जो एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट करके रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्लास छोड़ के नहीं जाना है। यदि आप लोग को अपने मार्क्स में अच्छा करना है, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा परसेंटेज आए, तो आपको बर्दाश्त करके आपको हमारे साथ हार्डली 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, आप बाकी 15-20 मिनट आप हमारे साथ दें, और बाकी जो वक्त बचता है बाकी क्लास आप पढ़िए, ठीक है। जितना आपको पढ़ना है, कहीं और जो पढ़ना है जैसे पढ़ना पढ़िए, लेकिन 20 मिनट का जो टाइम है हमारे साथ आप दीजिए, कंटिन्यू दीजिए टाइम। मैं इस बात का गारंटी दिलाता हूं कि आपका परसेंटेज जरूर बढ़ेगा, और अगर जो नहीं अच्छे तैयारी कर पाए उन विद्यार्थियों का भी अच्छा खासा अंक आ जाएगा, उत्तीर्ण होंगे, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। चलिए आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये एग्जाम टारगेट का भी है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, ठीक है। मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं, कभी बुक से ले लेता हूं, कभी यहां से, कभी एग्जाम स्कोर से, कभी एग्जाम टारगेट से, जहां हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ताकि ये क्वेश्चन बनाने के साथ साथ अगला भी क्वेश्चन बच्चे बना सके, मैं उस पैटर्न का क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ,
ठीक है, चलिए समझिएगा क्वेश्चन को। एक सेंट वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। जेड इज एडमिटेड, जेड यहां पर एक नया पार्टनर होता है जो एडमिट करता है द नी पार्टनर एक्वायर हिज 1/10 शेयर इंटरनली फ्रॉम एक्स से। मतलब एक जो नया पार्टनर आता है जेड, और सिर्फ किससे एक्वायर करता है, तो एक्वायर याद रखिएगा, एक्वायर बोलेगा क्वेश्चन में या फिर परचेज। देखिए यहां पर क्वेश्चन बेसिक लेने का एक वजह है कि ऐसा क्वेश्चन ले ताकि अगला भी क्वेश्चन हमको समझ में आए। तो यहां पर देखिए एक्वायर शब्द का प्रयोग हो या फिर परचेज, मतलब एक्वायर और परचेज का मतलब होता है दूसरा से लेना। आप भी जानते हैं जब मार्केट में लोग परचेज करते हैं इट मींस क्या हुआ कि दूसरा से लिए हम। तो एक्वायर का भी मतलब वही होता है जब किसी का हम जमीन एक्वायर करना, वहां पर ज्यादा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम लोग समझेंगे एक्वायर या फिर परचेज अगला से लेना। तो यहां पर जो एक्वायर कर रहा है एक से कर रहा है, सिर्फ एक से कर रहा है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए तो जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो 7:3 है। क्वेश्चन नंबर वन ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ऑफ और एक्स और वाई का है जो कि है 7:3 है, ठीक है। यहां पर जो जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए जेड एडमिट होता है। 1/5 नहीं है दोस्तों, 1/10 शेयर है, ओके 1/10 शेयर है। और यहां पर साफ साफ बोलता है कि जो जेड जो एक्वायर कर रहा है, यहीं पर शॉर्ट में लिख दे फ्रॉम, ये किससे ले रहा है, जो एक्वायर कर रहा है वो एक्स से कर रहा है, ठीक है। 1/10 शेयर, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर और फ्रॉम एक्वायर, शॉर्ट में लिख दिए एक्स एक्वायर कर, ये स्टेटमेंट लिखना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग को यहां पर कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, न्यू रेशियो क्या होगा ये भी आपका लिखना कोई यहां पर कंपलसरी नहीं है, ओके। चलिए तो हम लोग का क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स और वाई और जेड का न्यू रेशियो निकालना, यहां पर लिख सकते हैं आप न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो। तो देखिए पहले इसका कितना है, 7/10 है, 7/10 कैसे आया, 7 और 3 10, यानी 10 हिस्सा में से एक्स का हिस्सा कितना है, 7 हिस्सा है। 10 हिस्सा में से एक्स का हिस्सा कितना है, 7 हिस्सा है। उसमें से एक्स को एक्स ही लिया है, जेड जो है एक्स ही लिया है, कितना 1/10 लिया है, ठीक है, जो कि हम लोग का स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम दोनों का लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 × 1 यानी 7 हो जाएगा, और यहां पर 1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 7 × 1 तो 6/10 हो गया, ठीक है। ये इसका न्यू शेयर बोल सकते हैं, वैसे यहां पर लिखा हुआ है, खाली यहां पर शेयर शब्द प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। वाई की बात करते हैं तो वाई का देखिए कितना है, 3/10 है, 10 में से कितना हिस्सा वाई का है, तो 3 हिस्सा है, जिसमें से क्या किसी को दिया दे रहा है, क्या जेड को हिस्सा मिल रहा है, नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो जस कितना इसका रहेगा, 3/10 ही रहेगा, किसी को नहीं दे रहा है। अच्छा, जेड का कितना हिस्सा मिल गया, तो जेड का 1/10 शेयर हो गया, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो आ गया हम लोग का, न्यू रेशियो ऑफ, देखिए यहां पर सभी का जो हर में है वो सभी का 10, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका मतलब रेशियो जो बन जाएगा ऑफ एक्स वाई और जेड का, अगर आप पूरा लिखेंगे तो पूरा लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं 6 और 3 और 1, 6, 3 और 1, ये हम लोग का आ गया न्यू रेशियो आ गया। हम लोग को क्वेश्चन में इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि आप न्यू रेशियो फाइंड करिए, ठीक है। तो चलिए समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो को निकालते हैं। सिंपल याद रखना है, जब कोई पार्टनर्स एडमिट होता है, यदि एक्वायर किसी स्पेसिफिक पार्टनर से करता है तो उसी के यहां सिर्फ माइनस करें, अगर दोनों से यहां पर एक्वायर करता तो दोनों से यहां माइनस किया जाता, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ यहां पर यह भी समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर दोनों से लेता तो दोनों के यहां माइनस करते, और जितना दोनों से मिलता ये जेड अपने यहां दोनों क्या करेगा, प्लस कर लेगा, जोड़ लेगा, ठीक है। जैसे दो जन हमको कोई हिस्सा दे रहा है तो दोनों के यहां से, जैसे कोई व्यक्ति, एग्जांपल इसको समझिए कि एक व्यक्ति रोटी 4 खाता है,
अगला भी रोटी पांच व्यक्ति खाता है, एक उसके यहाँ कोई नया चला गया, वो रोटी कितना खाना चाहता है, थ्री खाना चाहता है, जिसमें से एक दे रहा है ये रोटी दे रहा है और ये दे रहा है दो दे रहा है, इसको तीन रोटी टोटल मिल जाता है। तो बताइए इसके यहाँ माइनस कितना होगा, एक माइनस होगा, और इसके यहाँ कितना माइनस होगा, दो माइनस होगा, और इसका जोड़ लेंगे, एक इससे मिला और अगला से दो मिला, तो कितना हो गया, तीन हो गया। तो यही बस खाली मोटा मोटी इसका जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो आपको याद रखना कि करना कैसे है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, गुडविल, ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट जानेंगे कि आखिर गेनिंग सेक्रीफाइस से निकलता है तो कैसे यहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे चेंज इन प्रॉफिट सैलरी रेशियो में आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक यहां पर गेनिंग का होता है और एक सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। चलिए वो भी बताते हैं, अबर जो हम लोग सीखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग होने के साथ साथ में गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा, वो काम करेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। वैसे भी याद रखिएगा दो फार्मूला होता है, एक सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद रखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा। एक होगा गेनिंग का, गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा, जस्ट इसका पलट दीजिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये दो फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, बहुत ही हमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है यहां पर और सेलेक्ट किया हुआ है। वैसे देखिए क्या है, कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहता है दो पार्टनर्स है, क्वेश्चन नंबर टू, एक्स वाई और जेड है, यानी ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड, इन लोगों का रेशियो जो है इक्वल है, ठीक है। आगे कहता है द डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:1, यानी लोग डिसाइड किया, वन सेकेंड, चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं, कोई आ गए थे, कोई स्टूडेंट थे, ठीक है। चलिए आप लोग भी, यदि आप लोग हजारीबाग में रहते हैं तो यदि हजारीबाग में हमसे क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रेश क्लास लिया जा रहा है, क्रेश कोर्स में शॉर्ट कोर्स क्लास चल रहा है, ठीक है, दो घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप आइए और टेस्ट सीरीज में, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आकर टेस्ट आप दे सकते हैं और क्लास करना चाहते हैं तो मात्र जो है 499 रुपया में क्रेश क्लास हम चला रहे हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर टेस्ट, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, मतलब नाम मात्र का एकदम नॉमिनल अमाउंट है। अगर आप चाहेंगे तो आप क्लास आकर कर सकते हैं, और अगर आप टेस्ट देना चाहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, मेरा लागत वहाँ पर लगेगा, एक रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है। आप आइए हजारीबाग, मेरा एड्रेस है झिंझिरिया पुल के सामने है, ये कोचिंग है ऋषि कॉमर्स अकेडमी नाम से। और यदि चैनल पर आप पढ़ने चाहते हैं, अगर हजारीबाग में नहीं है, कोई एरिया में है, विलेज एरिया में है, जहां पर भी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आप जाकर देखेंगे कल लगभग 400 वीडियो होने वाला है, जहां पर आपको कंटिन्यू लगातार आपको क्लास जो अकाउंट्स का है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, तो मैं लगातार जो भी वीडियो अपलोड होगा वो लगातार रहता है, हर एक चैप्टर का पूरा प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन सॉल्यूशन रहता है, ये नहीं सिर्फ उसका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बना दिया गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पूरा वीडियो जाकर देखेंगे तो वहां पर पूरा आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहेंगे तो। चलिए आगे आप सेमेस्टर में जाएंगे तो सेमेस्टर में जाने के बाद भी हमारा वहाँ वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट है कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो न्यू रेशियो जो इन लोग का है, न्यू रेशियो इन लोग का भी डिसाइड है, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड वो है 3:3:1, ठीक है, क्या है 3:3:1।
अब यहां पर निकालना है गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। एक्चुअली आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या कहता है। फॉर दिस पर्पस फर्ब गुडविल इज वैल्यूड। गुडविल का यानी आप लिख सकते हैं फर्म्स का जो है गुडविल 1,05,000, 1,05,000 रुपया है। उसके बाद पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अराइजिंग ऑन अकाउंटिंग अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग का गुडविल को ट्रीटमेंट करना है, इट मींस एडजस्टमेंट करना है। ओके चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का देखिए फॉर्मूला बताएं वहां पर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके तो पहला निकालिए एक्स का देखिए यहां पर कितना है, इसको यहां पर जोड़ देना है, ये 3 हो जाएगा और 3 × 3 = 6 = 7 हो जाएगा। ओके तो 1/3 माइनस 3/7, दोनों का एलसीएम लेंगे 7 × 21 हो जाएगा और 3 × 7 = 21 यानी 7 हो जाएगा और 7 यानी 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 7 × 8 = 9 यानी 2/21 यानी 2/21 हो गया। ठीक है, वाई का करेंगे 1/3 और इसका हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, इसका भी 21 हो जाएगा, 3 × 7 = 21। ठीक है तो यहां पर 7 हो जाएगा और 7 × 21 यानी 3 × 3 = 9। ठीक है तो 7 × 9 यानी 7 × 8 = 9 यानी 2/21 याद रखिएगा। देखिए जो भी आ रहा है माइनस मारा, तो इसको माइनस मारा ब्रैकेट में कर देंगे। और यहां पर फॉर्मूला हम लोग किस तरह का लगाए हैं, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाए हैं, याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाए तो जो माइनस में आता है उसको हम लोग कहेंगे गेनिंग। ठीक है यानी गेन किया। ठीक है और जो प्लस में आएगा तो जिसका फॉर्मूला लगाएंगे वो कहलाएगा, यानी सैक्रिफाइसिंग वो कहलाएगा। ठीक है तो लास्ट जो होगा जेड। ठीक है जेड का, तो जेड का हो जाएगा यहां पर 1/3 है और इसका है 1/7 है। ठीक है इसका एलसीएम 21 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 यानी 7 हो जाएगा और 7 × 21 यानी 3 हो जाएगा, तो इसको दोनों माइनस कर देंगे, 4 × 3 = 7 यानी ये हो गया। ये क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस कहलाएगा, ये सैक्रिफाइस कहलाएगा। ठीक है तो देखिए यहां पर दो जन गेनिंग कर रहा है, टोटो हिस्सा दो दो हिस्सा गेनिंग कर रहा है, चार हिस्सा गेनिंग कर रहा है, तो अगला कोई चार दे रहा है तभी तो अगला कोई गेन कर रहा है उतना। ठीक है तो ये हो गया, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो चलिए मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। फर्म का जो गुडविल है, फर्म का गुडविल वो है 1,05,000 है। ठीक है एक्स वाई और जेड 1,05,000 में ये देखिए गेन किया तो इतना से कर देना 2/21। ठीक है और इसको आप काटिए। ठीक है तो देखिए इसको काटेंगे तो 7 × 21 आप 3 से काट देंगे तो 3 × 7 = 21 3 से काट दिए 3 × 7 = 21 तो इसको भी काट सकते हैं 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक है और 5 × 2 = 10,000 हो गया। ठीक है तो कहीं ना कहीं 1,05,000 है तो 2/21 अगर करेंगे फिर वही होगा जी 3 × 7 = 21 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35 यानी 5 × 2 = 10 इसका भी 10,000 हो जाएगा। और जेड का करेंगे सो, देखिए जेड का कितना आना चाहिए हम लोग के हिसाब से 20,000 आना चाहिए। चलिए इसका भी करते 1,05,000 और 4/21 कर देंगे तो वही उसी तरह काटेंगे हम लोग जी 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 10 और 7 × 5 = 35 5 × 20 यानी अगला कोई सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 20,000 तो दो लोग गेनिंग कर रहा है 10,000 रुपए जो भी एग्जांपल हम कई बताए थे। अब सर एंट्री कैसे करेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एंट्री कर देना, एडजस्टमेंट कर देना है। ठीक है यहां पर आपको बता देते हैं, देखिए यहां पर एंट्री होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद रखिएगा एंट्री भी जो होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन कौन कर रहा है, एक्स यहां पर लिखना है एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट
टू हो जाएगा, ये एडजस्टमेंट का एंट्री है याद रखिएगा, और सीधा लिख देना है नरेशन में, बींग या फोर का यूज कर सकते हैं, बींग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सीधा शॉर्ट में लिख बींग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन चेंजिंग चेंजिंग रेशियो में, ठीक है, चेंजिंग रेशियो में कितना कितना आ गया, 10,000, 10,000 और 20,000, ये एंट्री फाइनल हो गया, ठीक है। ये जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसका जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, डेट पार्टिकुलर है ना, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, इस फॉर्मेट में आपको दिखाना है, ये नहीं कि आपको इसी तरीके से दिखा देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट आप जान लिए, लेकिन एक जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, बस आपका समझिए कि आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मात्र आपको हमारे साथ हरेक दिन आप एक शेड्यूल बना लीजिए, अभी से लेकर एग्जाम तक एक शेड्यूल बना लीजिए कि सिर्फ हमको एक विश्वास रहेगा कि एक सर के साथ भी पढ़ाई किए, बाकी अपना बाकी 24 घंटा बचता है उसके आप पढ़िए, ठीक है, जो आपका समय बचता है उसके साथ पढ़िए, सिर्फ आप हमारे साथ सिर्फ हर एक दिन 20 मिनट टाइम दीजिए, 20 मिनट हमारे साथ दीजिए और बस इसी को पढ़ लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बस एक घंटा हो जाएगा आपका, बस काफ़ी है, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए और देखिए फिर क्या परिवर्तन होता है। देखिए आपके समय में कहा गया है कि आपको खोना नहीं पड़ेगा, मतलब कहते हैं कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ेगा, आपको पाने के लिए कुछ करना होगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको खोना नहीं, ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, देख रहे हैं ठीक है, आपका कुछ तो सीखने को मिल रहा है, कुछ देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ थोड़ा सा काम भी करिए, थोड़ा सा लिख दीजिए तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए अब कब आप लोग का मॉडल सेट आता है, ठीक है, और अब पहले आएगा तो उसको भी हम बता देंगे। देखिए बेनिफिट है अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, तो वहाँ से अगर हम अलग अलग जो क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे साथ जो जुड़े हैं अभी उनका दो चैप्टर कंप्लीट हो गया और आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चलिए देखिए एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, सभी चैनल एजुकेशन चैनल जितना भी है सभी के साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर सी विल गेट्स 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। देखिए कहता है ए बी सी इक्वल का पार्टनर्स है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 1, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी और सी इक्वल का है, इक्वल पार्टनर्स है। आगे इन लोग का कहता है कि लोग डिसाइड करता है कि फ्यूचर में सी को कितना देंगे, यानी कि फ्यूचर में जो गेट करता है विल गेट 1/5 शेयर, 1/5 शेयर देना चाहता है इन प्रॉफिट में, ठीक है। इन लोग डिसाइड किया है कि ए बी सी जो तीनों का इक्वल पार्टनर है, अब डिसाइड किया है कि सी को हम लोग भविष्य में 5 हिस्सा में से एक हिस्सा सिर्फ सी को देंगे, तो आपको क्या फाइंड करना है, न्यू रेशियो भी फाइंड करना है, न्यू रेशियो के यहां पर कहे तो न्यू रेशियो नहीं बोला है, कह रहा फॉर दिस पर्पस फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 75,000, फर्म का गुडविल 75,000 है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहां पर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, फर्म का गुडविल दिया हुआ है 75,000, तो कहने का कि जब गुडविल का तब ट्रीटमेंट करेंगे जब आपके पास क्या हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग होना चाहिए, कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेनिंग कर रहा है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए, तो न्यू रेशियो भी आपको फाइंड करना है, तो या न्यू रेशियो के लिए आपको कोई बड़ा प्रोसेस नहीं करना, बस इतना याद रखना है, एक तो हम लोग लॉन्ग तरीके से बताते हैं लेकिन शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा सो देखिए,
बहुत शॉर्ट तरीका है न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी। पहला, पांच हिस्सा में से एक हिस्सा किसको देना चाह रहा है? सी को। ठीक है कि सी को हम कितना देंगे भविष्य में? एक हिस्सा। तो बताइए पांच हिस्सा में से एक हिस्सा मिल गया सी को, तो बाकी ए और बी कितना रखेंगे? दो दो रखेंगे जी। यानी पांच में से एक मिल गया अगला को, तो बाकी दो दो हिस्सा दोनों इक्वल रखेंगे। तो यही हो गया न्यू रेशियो हो गया। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और ए बी और सी चलिए लगाते हैं। ए का हो जाएगा 1/3, माइनस कर देंगे न्यू रेशियो जो है 2/5, एलसीएम लेंगे 5 × 15, 3 × 15 यानी 5 हो जाएगा, और 5 × 15 यानी 5 × 3 = 6 यानी 1/15। आपको पता है ये माइनस में आ गया तो क्या कहलाएगा? फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग, तो ये गेन कहला जाएगा, गेनिंग कहला जाएगा। उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 1/3, 2/5, इसका भी एलसीएम 15 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा 1/15, इसका भी गेन कहलाएगा। ये माइनस में एक तरह से है। ठीक है, और सी का देखिए कितना आएगा। ये लोग दोनों गेनिंग कर रहे थे, यानी सी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2 आना चाहिए। देखिए इसका है ओल्ड रेशियो है 1/3 और इसका है 1/5 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे 15 और 3 × 15 यानी 5 और 5 × 15 यानी 3, तो इसका आ गया 2/15 आ गया। देखिए प्लस में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस कहलाएगा। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। फर्म्स का गुडविल जो है वो है 75,000 है, तो एक्स वाई और जेड। एक्स का कितना होगा जी? 75,000 1/15, यही है ना 1/15, 15 × 75 यानी इसका आ गया 5,000, इसका भी आ जाएगा 5, आएगा ना 5,000, देख लीजिए 75,000 1/15, 15 × 75 यानी 5,000 हो गया जी। और जेड का कितना होगा? तो 75,000 2/15, 15 × 75 यानी 5 × 10,000, यह हो गया। अब एंट्री बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप यहाँ स्क्रीनशॉट करेंगे, यह हम हटा देते हैं इसको, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए एंट्री क्या हो जाएगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग कौन कर रहा है? एक्स और वाई। तो यहां पर हो जाएगा वे एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट और जेड, सॉरी एक्स वाई नहीं है ना जी, ए बी सी था ना। चलिए इसको कर देते हैं ए बी और सी, यहां पर कर देते हैं ना ए बी और ये हो जाएगा सी, सी कैपिटल। ये हो जाएगा सेक्रीफाइस किया 10,000, इस ये गेन किया 5,000, ये हो गया 5,000। नरेशन जो पिछले वाले में लिखे है ना, बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल फॉर बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ओके, चेंज इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलिए तो ये क्वेश्चन आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का, ओके। चलिए उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इतना जानिए कि अगर आप इतना हमारे साथ टाइम दिए तो कुछ ना कुछ आपका परसेंटेज में इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा। और जो बच्चे नहीं किए उनका तो खैर बहुत ही बेसिक तैयारी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जा रहा है जो नहीं पढ़े, और जो पढ़े हुए भी हैं उनके लिए भी है बेहतरीन है। ठीक है, कि फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझने को मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए कमेंट आप करेंगे कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो लगता है। ठीक है, और चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर क्लास में मिलते हैं। अगला जो चैप्टर हम लोग का होगा एडमिशन और पार्टनरशिप होगा, थोड़ा एडमिशन और पार्टनरशिप में आपको पेशेंस बनाकर रखना, वहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। थोड़ा सा हो सकता है वहाँ पर दो वीडियो आपको देखना पड़े। ठीक है, पहला तो आपको वहाँ पर रेशियो ही बताएंगे, उसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन बता देंगे जहाँ से रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने को मिलेगा और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट मिलेगा। ठीक है, वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से दो वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।